इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में नो रियलिटी शो इज रियल। देखिए असल वो द शो जहां पर मैं बिगिनिंग से कहता आया था कि यार ये लोग बहुत कम स्कैम कैम करते हैं, सब कुछ यहां पर रियल ही चलता है। लेकिन यार ये चीज पे मेरे को बोलनी पड़ेगी कि नहीं भाई, इस शो में भी टीआरपी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और वैसे ही किया है असल ने अपने पुराने एपिसोड में। जो लेटेस्ट आया है, और देखिए इस वीडियो के बाद काफी कुछ गालियां भी पड़ेंगी कि भाई शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, बट रियलिटी इज डिफरेंट। देखिए इस बार चार स्क्वाड बॉस हैं, एवरीबॉडी नोज, डीएमसी है, डीनो जेम्स है, किंग है, ईपीआर, और सबके पास चार चार बंदे हैं। पहले दो एलिमिनेशन में कौन गया, किंग की गैंग से बंदे चले गए, बहुत ठीक। किंग के पास दो बंदे बचे, अगले बार पैराडॉक्स था जो एलिमिनेशन राउंड में था, और वहां से भाई ईपीआर ने बोला कि कोई नहीं जाएगा, नहीं तो भाई पैराडॉक्स पर खतरा था वहां पे। अगला जो एपिसोड आता है वहां पे जो लोग निकलते हैं, अब उस लिस्ट में देखिए आप कौन कौन आता है। उसमें आता है JD47, भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर हसल 2.0 पर, और विराट कोहली ने शाउट आउट दिया है यार, क्या ही गाना करते हैं। लास्ट गाना जो इनका था DIY डू इट योर सेल्फ, क्या क्रेजी गाना निकाला उन्होंने। एंड उनके साथ थे नेज, रेफरेंस गेम वन ऑफ द फाइनेस्ट, एंड उनके साथ थे यूके रैपी बॉय। अब देखिए जितने भी एपिसोड चले गए मेरे हिसाब से एक परफॉर्मेंस ठीक आई थी यूके रैपी बॉय की, जहां पर उन्होंने अगेन पहाड़ों की बात करी थी, एक ही टाइप की बात करें, और मेरे हिसाब से इतनी फैन फॉलोइंग भी नहीं है जितनी JD47 की हो गई है, विराट कोहली फॉलो कर रहे हैं और नेस की हो रही है। लेकिन शो का फॉर्मेट था भाई हर स्क्वाड मेंबर के पास कुछ तो लोग चाहिए होंगे, तो सबसे पहले उन्होंने सेव किया यूके रैपी बॉय को, क्योंकि अगर वो भी चला जाता तो किंग के पास बंदे कितने बच जाते, एक पैराडॉक्स उनके हिसाब से वो आगे तक चलकर जाते। एंड एवरीबॉडी नोज पैराडॉक्स इज नॉट अ विनर इन दिस शो, भाई शो के विनर दो तीन अलग से हैं, ग्रेविटी और MC स्क्वायर, इन दोनों में से एक शो जीतने वाला है। GD47 वाज अ टफ कंटेस्टेंट, लेकिन उनको निकाल दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेट ऑफ शो। अगर रियलिटी में यूकी रैपी बॉय का अगर आ जाए रैप बैटल विद JD47, भाई खा जाएगा JD47 उसको। और अगर वोट्स की अगर बात करें तो भाई JD47 वोट्स में भी खा गया होगा, लेकिन भाई स्कैम चलता है, इन्होंने चला दिया, एक तगड़ा कंटेस्टेंट निकाल दिया, और बस किंग की गैंग को सेफ रखने के लिए इन्होंने यूके रैपी बॉय को बचा लिया। कमेंट करके बताओ यार कितने लोगों का ऐसा लगता है कि अगर बैटल हो JD47 और यूके रैपी बॉय की तो कौन जीतेगा, कौन ज्यादा इंटेंस म्यूजिक बनाता है और किसकी बातों का मीनिंग ज्यादा है। डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट कॉन्टेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी के अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ आपसे जल्द, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाय बाय।